महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई। हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता हार्दिक बताइए। है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था, इट वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई। और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी दी गई, लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन तूने तो उसने बोला कि नहीं। और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरे हम जहां टेंशन में थे वहां से सब खुशी में चले गए।